हेलो दोस्तों, आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के टॉपिक को, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आश्रय या आवास को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, आश्रय या आवास टॉपिक को। इसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं शेल्टर। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आवास की परिभाषा को, कि आवास की परिभाषा होता क्या है। तो देखिएगा, जिस जगह पे जीव रहते हैं उस जीव का आश्रय कहा जाता है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं वह स्थान का आश्रय कहा जाता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं वह स्थान जहाँ पे कोई जीव रहता है, उस स्थान को उस जीव का आश्रय कहते हैं। इसके अलावा आश्रय के अगर हम बात करते हैं प्रकार की, या आवास के अगर हम प्रकार की बात करें, आवास के प्रकार की, तो आवास को जो है चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, या पहला जो प्रकार होता है उसको हम कहते हैं अस्थाई आवास। देखिएगा, दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं अस्थाई आवास, तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं चल आवास, और चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं ऋतु प्रवास। तो जो आवास होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला अस्थाई आवास, जिसको हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं या परमानेंट शेल्टर भी कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं अस्थाई आवास, जिसको हम टेम्प्रोरी हाउस या टेम्प्रोरी शेल्टर कहते हैं। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं मूवेबल हाउस या मूवेबल शेल्टर, और चौथे को हम ऋतु प्रवास, या इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम रैन बसेरा भी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अस्थाई आवास की, तो अस्थाई आवास जो होते हैं ये एक ऐसे आवास होते हैं जो ईंट पत्थर या सीमेंट के बने होते हैं। ये ऐसे आवास होते हैं अस्थाई आवास, जो ईंट पत्थर या सीमेंट के बने होते हैं। इसके अलावा आपको ये आवास जो है किसी गांव में या शहर में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं अस्थाई आवास की, तो ये जो होते हैं ये लकड़ी, बांस या मिट्टी के बने होते हैं। तो अस्थाई आवास जो होते हैं एक ऐसे आवास होते हैं जो लकड़ी, बांस या मिट्टी के बने होते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे तंबू या टेंट, जो एक मनुष्य का ही क्या है, एक अस्थाई आवास है। इसके अलावा आप देख सकते हो क्या, चिड़ियाघर की अगर हम बात करें, तो चिड़ियाघर जो होता है वो जीवों का एक अस्थाई घर होता है या एक अस्थाई आवास होता है। तीसरे अगर हम आवास की बात करते हैं, जिसको हम चल आवास कहते हैं, ये जो आवास होता है ये लकड़ी का या तिरपाल का बना होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, तो इस आवास को जो है एक घुमंतु लोग होते हैं, जिसको हम जिप्सी कहते हैं। तो इसका हम सीधा सीधा उदाहरण देख सकते हैं, जिप्सी लोग जो होते हैं, जिप्सी या जिनको हम घुमंतु लोग कहते हैं, उन घुमंतु लोगों की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक चलते फिरते वाहन का प्रयोग करते हैं, और उसी वाहन का वो जो होता है, वही वाहन जो है उनका आवास होता है। इसके साथ साथ और भी उदाहरण देख सकते हैं, हाउस बोट भी जो है एक क्या है, एक चल आवास का उदाहरण होता है। इसके अलावा सैनिक स्काउट भी जो है आपका एक बहुत ही अच्छा चल उदाहरण है। और चौथा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, ऋतु प्रवास, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रैन बसेरा। ऋतु प्रवास की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको मोस्टली शहरों में या जिलों में आपको देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, तो ये जो आवास होता है उन बेघर लोगों के लिए होता है जो
किसी सीजन में या किसी ऋतु में वो क्या करते हैं, जैसे सर्दी ऋतु आती है, उस सर्दी ऋतु में अगर उनको आवास नहीं मिलता तो उनको जो है यहाँ पे आश्रय दिया जाता है। तो ये बेघर लोगों के लिए होता है, बेघर लोगों के लिए। तो आवास जो होता है, आवास को हम सीधा सीधा कह सकते हैं, जिस जगह पे कोई जीव रहता है उस जगह को उस जीव का आवास कहा जाता है। आवास के चार प्रकार होते हैं, अस्थाई आवास, अस्थाई आवास, चल आवास और ऋतु प्रवास। अस्थाई आवास जो होता है ईंट पत्थर या सीमेंट के बने होते हैं, अस्थाई आवास लकड़ी बांस या मिट्टी के बने होते हैं, और इसका सुधा उदाहरण हम तंबू या चिड़ियाघर को देख सकते हैं। तीसरा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, चल आवास, लकड़ी या तिरपाल का बना होता है जिसमें जिप्सू या घुमंतू लोग होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें हाउस बोट, सैनिक स्काउट ये सभी जो होते हैं ये चल आवास में आते हैं। नेक्स्ट जो होता है चौथा, जिसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं, जिसमें बेघर लोगों को जो है शरण दिया जाता है या बेघर लोगों के लिए होता है। तो अगर कोई ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी ऋतु आती है, तो उस कंडीशन में जब उनको कोई जगह नहीं मिलता तो उस उनको जो है इस जगह को प्रदान किया जाता है। तो ये थे आश्रय के प्रकार। अब हम देखते हैं जीव जंतुओं के आवासों के बारे में। आपके सीटेट में या टेट में जो है हमेशा जो है जीव जंतुओं के आवासों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखते हैं, जीव जंतु के आवास। जीव जंतु के आवास, या इसी को हम नाम देते हैं एक और नाम जिसको हम कहते हैं क्या, एनिमल शेल्टर। देखिए हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले आवास की, जिसको हम नाम देते हैं क्या, बील। देखिए अगर हम बील की बात करते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो धरती में जो है बील बना के रहते हैं, और अगर हम इन जंतुओं की बात करते हैं कौन कौन से जंतु इसमें आते हैं, तो सबसे पहला जो है चूहा। चूहा आपने देखा होगा वो बील बना के जो रहता है। सांप, इसके अलावा खरगोश, इसके अलावा आपने देखा होगा दीमक, इसके अलावा चींटी और आदि। ये सभी जो होते हैं, ये सभी जीव, छोटे जीव जो है ये बील में रहते हैं। तो इनका जो आवास होता है वो क्या होता है, बील। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है, आप में पूछ देगा कि इनमें से कौन कौन से जीव जो है बील में रहने वाले हैं, और या ऐसे चार ऑप्शन दे देगा जिसमें से चार जो है, तीन जो है बील में रहने वाले जीवों के नाम दे देगा और एक जो है जो बील में नहीं रहता हो उसको दे देगा, और उसमें से छांटने के लिए कहेगा कि इनमें से कौन सा जीव है जो बील में नहीं रहता। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा जो है देखिएगा, जिसको जिस आवास को हम नाम देते हैं वो क्या है, घोंसला। देखिए घोंसला की अगर हम बात करते हैं, घोंसले को हमको पढ़ना है, जो बहुत सारे प्रकार के जो चिड़ियाँ हैं उन चिड़ियों का अलग अलग प्रकार का घोंसला होता है। तो घोंसलों के प्रकार के बारे में पढ़ना है, या पक्षियों के घोंसले के बारे में हमको पढ़ना है। तो घोंसलों की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो पेड़ों पर या घरों में जो है घोंसला बना के रहते हैं। कुछ जो है पेड़ों पर भी रहते हैं, कुछ जो है घरों में जो है घोंसला बना कर भी रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके उदाहरण की, तो इसमें हम सीधा सीधा उदाहरण देख सकते हैं, बुलबुल। बुलबुल आपने देखा होगा ये पेड़ पे जो है ये क्या करता है, घोंसला बना के रहता है। कठफोड़वा, इसको भी देखा होगा, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे जो है घोंसला बना के रहता है, या उसके खोखले भाग जो होते हैं उसमें रहते हैं। या इसके अलावा कबूतर, कबूतर को आपने देखा होगा ये जो है घरों में रहता है। या आपने गिलहरी देखा होगा, गिलहरी एक जानवर है, और गिलहरी क्या करता है देखिएगा, जो पेड़ का जो खोखला भाग होता है जिसको हम कोटर कहते हैं, तो ये जो होते हैं पेड़ के कोटर में रहता है। कोटर क्या है, कोटर एक खोखला भाग होता है जिसमें वो गिलहरी रहती है। तो गिलहरी एक जानवर हम कह सकते हैं, एक छोटा सा जीव जो पेड़ के कोटर में रहता है। और घोंसले की अगर हम बात करते हैं, बुलबुल, कठफोड़वा, कबूतर और भी सारे पक्षियां हैं जो घोंसला बना के जो है पेड़ों पे या इसके अलावा घरों में जो है घोंसला बना के रहते हैं। तीसरा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, माद, या इसी को नाम दिया जाता है क्या, गुफा। देखिएगा
कुछ जीव ऐसे हैं जो माद में रहते हैं, या वो जो है गुफा के अंदर रहते हैं। और इसमें हम उदाहरण की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो क्या, शेर। शेर जो है एक जंगल का राजा भी है जो गुफा में रहता है। दूसरा जो उदाहरण है वो क्या है, भेड़िया। तीसरा देखिएगा लोमड़ी। चौथा क्या है, भालू आदि। ये सभी जो जानवर हैं, ये सभी जानवर कहाँ रहते हैं, ये सभी जानवर आपको जो है माद या गुफा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनका जो आवास होता है वो माद होता है या गुफा होता है। चौथे प्रकार की अगर हम बात करते हैं, या चौथा जो आवास होता है जिसको हम कहते हैं क्या, पेड़ की डालियां। देखिएगा पेड़ की डालियों की अगर हम बात करें तो कुछ जानवर भी हैं, कुछ पक्षियां भी हैं जो पेड़ की डालियों पर रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सीधा सीधा बंदर, बंदर एक जानवर है जो कहाँ रहता है, पेड़ पे। इसके अलावा चील, देखिएगा चील एक पक्षी है और इसकी इसकी खास बात क्या होती है कि इसका जो देखने की जो क्षमता होती है मनुष्य के 6 गुनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें चील जो होता है सबसे ऊंचे पेड़ पे क्या करता है, घोंसला बनाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है उसी के ऊपर ये घोंसला बनाता है। नेक्स्ट जो उदाहरण है क्या, वो कौवा। कौवा के बारे में अभी हम कौवे के घोंसले को पढ़ेंगे, चील के भी घोंसले को पढ़ेंगे। कौवे की खास बात क्या होती है कि कौवा जो होता है ये अपना घोंसला जो पेड़ होता है पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे ये बनाता है, इसकी खास बात होती है। इसके अलावा एक और जानवर है स्लाथ। स्लाथ क्या है, देखिएगा स्लाथ जो है एक तरह का जानवर है जो दिन भर जो है आपको पेड़ों पे जो है आपको सोया हुआ मिलता है। ये जो है ये बहुत ही लेजी किस्म के जो है जानवर होते हैं जो दिन भर जो है पेड़ों पे सोते रहते हैं। चौथा जो आवास होता है, सॉरी पांचवा जो आवास होता है, पांचवे आवास को हम नाम देते हैं क्या, छत्ता। या ये ऐसे जानवर या ये ऐसे जीव होते हैं जो कहाँ रहते हैं, समूह में। तो कई बार इससे जो है आपके सीटेट में क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा जानवर जो है जो समूह में नहीं रहता, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण देखिएगा क्या है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसको हम नाम देते हैं क्या, मधुमक्खी। मधुमक्खी जो होता है हमेशा आपने देखा होगा छत्ते में रहता है और ये एक साथ बहुत सारे रहते हैं, ततैया, चींटी आदि। तो ये सभी जो जानवर हैं, ये सभी जानवर कैसे रहते हैं, ये सभी जानवर जो है ये आपको मिलेंगे कैसे, ये आपको जो है एक साथ बहुत सारी संख्या में मिलेंगे। तो ये थे जीव जंतु के आवास के बारे में, जिसमें हमने बील, घोंसला, माद, गुफा या पेड़ की डालियां और छत्तों के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ और भी जीव हैं जो अलग अलग आवासों में रहते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी जीव हैं जो घरों में रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं घर के बारे में। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं घर की, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो घरों में रहते हैं, और इसमें सबसे पहला जो उदाहरण है देखिएगा क्या है, जैसे छिपकली। छिपकली जो है एक ऐसा जीव है जो कहाँ रहता है, घरों में। इसके साथ साथ क्या है, चूहा व पालतू जानवर या पालतू जंतु। पालतू जंतु का मतलब ऐसे जंतुओं के बारे में है जो क्या कहाँ रहते हैं, घरों में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी जो जंतु होते हैं वो कहाँ रहते हैं, घर में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जल की, तो देखिएगा अगर हम जल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। अब देखिएगा जल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्वच्छ जल, और एक जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, समुद्री जल, इसको हम मैरीन वाटर कहते हैं। तो ये जल 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होता है स्वच्छ जल जिसको हम फ्रेश वाटर, और एक जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, समुद्री जल, जिसको हम मैरीन वाटर कहते हैं। इन दोनों जलों में जो है अलग अलग जो है जीव रहते हैं। तो ये जो देखिएगा इसमें अगर हम बात करते हैं, जो नदियाँ हैं या
जो तालाब है या जो गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भरा हो, तो इन सभी में जो है जो जीव रहते हैं वो सभी जीव जो हैं वो स्वच्छ जल वाले होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें समुद्र हम कह सकते हैं, या सागर कह सकते हैं, या महासागर कह सकते हैं, तो इन सब जगहों पे जो जीव रहते हैं वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। तो जीव जो होते हैं वो जल में दो प्रकार से होते हैं, एक जो होता है स्वच्छ जल में रहने वाला जीव और एक जो होता है समुद्री जल में रहने वाला जीव या समुद्र में रहने वाला जीव। अब अगर हम बात करें कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कहाँ रहते हैं, जो छप्पर या बाड़ा में रहते हैं। छप्पड़ या बारा का मतलब क्या है कि जिसको चारों तरफ से घेर के रखा जाए, जिसमें बहुत सारे जीवों को रखा जाए। तो इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़ बकरी, और कुछ पालतू जानवर। तो ये सभी जो होते हैं, जैसे ये जो हैं, ये छप्पर या बाड़े में रहते हैं। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और पालतू जानवर, ये सभी कहाँ रहते हैं, छप्पड़ में या बाड़े में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनको हम नाम देते हैं क्या, उभयचर। देखिएगा, उभयचर की अगर हम बात करें, जिसको हम इंग्लिश में एम्फीबियंस कहते हैं, तो उभयचर की अगर हम बात करें, ऐसे जीव जो जल व जमीन दोनों जगह रहते हैं, तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं क्या, उभयचर। जैसे अगर हम बात करें, देखिएगा, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, आदि। तो ये था उभयचर के बारे में। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि आपको एग्जाम में एक ऑप्शन दे देगा, इसमें से कह देगा इसमें से कौन सा जीव है जो उभयचर है, या जो जल व जमीन दोनों जगह पे पाया जाता है या रहता है। तो इसमें दिखेगा सांप है, मेंढक है, मगरमच्छ है, और भी सारे कई सारे जीव हैं जो उभयचर होते हैं, या ये जो है जल और जमीन या जल और स्थल दोनों जगहों पे पाए जाने वाले जीव होते हैं। तो ये था उभयचर के बारे में, या ये था जीव जंतुओं के आवास के बारे में। अब हम कुछ नोट के बारे में हम देखते हैं। नोट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक मछली आती है, नाम से तो वो मछली है लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, वो एक कीड़ा होता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें नोट की, तो नोट में क्या है, देखिएगा, नोट में एक है रजत मछली। देखिए, अगर हम रजत मछली की बात करें तो एक्चुअली में ये क्या है, ये कीड़ा है। ये आपको घरों में भी मिलेगा। तो रजत मछली एक कीड़ा होता है और ये जो है ये जल में नहीं रहता है। इसके साथ साथ कुछ और भी जो है मछलियां हैं, जैसे आपने देखा होगा कुत्ता मछली, इसको इंग्लिश में हम डॉग फिश कहते हैं। कुत्ता मछली, या इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम स्कॉर्लियोडॉन भी कहते हैं। तो ये जो है एक मछली है, इसको हम डॉगफिश या स्कॉर्लियोडॉन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस आपने देखा होगा, ऑक्टोपस और तारा मछली, इसको हम स्टारफिश कहते हैं, आदि। ये सभी जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये समुद्री होते हैं, ये
समुद्री जीव हैं या समुद्री मछली हैं। तो ये सभी जो हैं ये समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। तो ये था जीव जंतुओं के आवास के बारे में, जिसको हम नाम देते हैं क्या, एनिमल शेल्टर। तो कभी कभी के आपके एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन इस से जो है इस टॉपिक से हमेशा पूछ लेता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पक्षियों के घोंसलों के बारे में। पक्षियों के घोंसले, देखिएगा, देखिए पक्षियों के घोंसले की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो हम चिड़ियों को बहुत सारे देखेंगे और इन उन चिड़ियों के घोंसले को देखेंगे और उस घोंसलों की खास बात क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। आपके सीटेट में जो है कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है और कई साल पूछा है क्वेश्चन, टेट में भी इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो सबसे पहले चिड़िए की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो चिड़िया है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कलचिड़ी। देखिएगा, पहली जो चिड़िया है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कलचिड़ी। कलचिड़ी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी चिड़िया है जो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, देखिएगा, जमीन के या जमीन पे जो पत्थर होते हैं, जमीन पर पत्थरों के बीच में। तो ये देखिएगा, कल चिड़िया एक ऐसी पक्षी है या एक ऐसी पक्षी है जो क्या करता है, अपना घोंसला जो है जमीन के पत्थरों के बीच में या जमीन पे जो पत्थर होते हैं उनके बीच में ये बनाता है। दूसरी जो चिड़िया है जिसको हम नाम देते हैं क्या, चील। देखिए, चील की खास बात अगर हम देखें तो चील की खास बात अभी मैंने इससे पहले बताया, चील जो होता है, चील, बाज, गिद्ध जो होते हैं, इसकी जो नज़र होती है वो मनुष्य की 6 गुनी होती है। और अगर हम बात करते हैं तो इसकी खास बात क्या होती है, ये जो अपना घोंसला होता है ये सबसे ऊंचे पेड़ पे बनाता है, मतलब ऐसा पेड़ जो सबसे ऊंचा हो, सबसे ऊंचा जो पेड़ होगा उसी पेड़ पे ये क्या करेगा, अपना घोंसला बनाएगा। तो इसका जो घोंसला होता है वो क्या होता है, सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके घोंसले की अगर हम बात करें तो इसका घोंसला जो होता है 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। जो चील है, चील का जो घोंसला होता है वो 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। और इसके साथ साथ जो है यह अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करता है, मतलब साल भर में जो है ये जो है अपने घोंसले का प्रयोग करता है। कौन, चील। तो चील की खास बात क्या है कि ये अपना घोंसला जो है पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे, सॉरी, ऊंचे पेड़ पे बनाता है, जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है उस पे ये घोंसला बनाता है। इसका जो घोंसला होता है वो 4 से 5 फीट चौड़ा होता है और ये अपने घोंसले का प्रयोग जो है साल दर साल प्रयोग करता है। तीसरे अगर हम बात करते हैं तीसरे पक्षी की, जिसको हम नाम देते हैं क्या, कौवा। देखिएगा, कौवे की खास बात क्या है, कौवा जो होता है एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन इससे आया भी है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। तो इसका जो घोंसला होता है वो कहाँ होता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे। और चील की अगर हम बात करें तो चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है, जो पेड़ सबसे ऊंचा होगा उस पे ये घोंसला बनाएगा। और कौवा जो पेड़ का जो सबसे ऊंचा जो डाल होगा उस पे ये घोंसला बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो पक्षी है वो कौन सा है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, कोयल। देखिए, कोयल की अगर हम बात करें, कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता, वो कौन सा है, कोयल। तो कोयल जो है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, कोयल अपना घोंसला
सॉरी नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। अच्छा तो बनाती नहीं तो अंडा कहाँ देती है, तो यह अपना अंडा कौवे के घोंसले में, कौवे के घोंसले में देती है। तो कोयल की खास बात क्या होता है, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, और ये जो अपना अंडा होता है ये कहाँ देता है, कौवे के घोंसले में। तो ये खास बात होती है किसकी, कोयल की। तो हमने देखा कुछ पक्षियों के घोंसलों के बारे में, सबसे पहले हमने देखा कलचिड़ी के बारे में, दूसरा हमने देखा चील के बारे में। चील की खास बात क्या थी, ये सबसे ऊंचे जो पेड़ होता है उस पर ये घोंसला बनाता है, जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा इसका, जो चील का जो घोंसले की जो चौड़ाई होती है 4 से 5 फीट होती है, और ये अपना घोंसला साल दर साल प्रयोग करता है। कौवे की खास बात क्या थी, ये सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। कोयल की खास बात क्या थी, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, और इसके साथ साथ ये अपना अंडा जो होता है कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, जुलाही चिड़िया, या उसको हम नाम देते हैं क्या, वीवर बर्ड। तो नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, देखिएगा, जुलाही चिड़िया या जिसको हम कहते हैं क्या, वीवर बर्ड। जुलाही चिड़िया या इसी को हम कहते हैं क्या, वीवर बर्ड। देखिएगा इस चिड़िए की खास बात क्या होती है, इसका जो घोंसला होता है वो कैसा होता है, देखिएगा, लालटेन की तरह, लालटेन की तरह। तो सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट क्या है कि जुलाही चिड़िया का जो घोंसला होता है वो लालटेन की तरह होता है। इसके साथ साथ इसका जो घोंसला है, इसका घोंसला टहनियों से लटका होता है। इसके घोंसले की खास बात क्या होती है, ये टहनियों से लटका होता है, कौन सी चिड़िया की, जुलाही चिड़िया की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, कठफोड़वा। या इसी को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम बसंत गौरैया भी कहते हैं, गौरैया। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कठफोड़वा या बसंत गौरैया की, तो इसकी खास बात क्या है कि ये अपना घोंसला जो है तने को छेद कर बनाती है। तो इसका जो घोंसला होता है वो तने को छेद कर बनाती है, इसकी खास बात होती है कठफोड़वा को या बसंत गौरैया को। नेक्स्ट जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, मोरनी। देखिएगा मोरनी की खास बात क्या है, मोरनी जो होती है ये अपना घोंसला जो होती है वो क्या करती है, झाड़ियों में या पेड़ का जो सबसे निचला डाल होता है, यह अपना घोंसला झाड़ियों में या पेड़ों के सबसे निचली डाल पे, सबसे निचली डाल पे बनाती है, और ये क्या करती है, उसमें अंडा देती है। तो ये खास बात होती है किसकी, मोरनी की। तो मोरनी की खास बात क्या है कि ये अपना घोंसला जो होती है झाड़ियों में या पेड़ की जो सबसे निचली डाल होती है उस पर बनाती है। नेक्स्ट जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, गिद्ध। तो देखिए अगर हम बात करते हैं गिद्ध की खास बात क्या होता है कि ये जो है ये अपना घोंसला किसी सुनसान पेड़ पे बनाता है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे क्या, गिद्ध। देखिए गिद्ध जो है ये एक ऐसा जानवर है जो किसी मरे हुए जीव को खाता है,
या इसको हम एक और तरह का प्राणी कहते हैं, इसको हम स्केवेंजर भी कहते हैं, जो भक्षक होता है, जो मृत या जो शरीर मृत होता है उसी को ये खाता है, कभी भी ये जो है किसी जीवित शरीर को ये नहीं खाता। तो इसको हम स्केवेंजर के नाम से जानते हैं। तो इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो अपना घोंसला होता है सुनसान पेड़ों पर, मतलब ऐसा पेड़ जिसपे जो है वो जिसपे पत्तियां ना हो, जो खोखली हो, उस तरह का, या हम कह सकते हैं सुनसान पेड़ों या खोखले पेड़ों पर, या हम कह सकते हैं जो चील के जो छोड़े हुए घोंसले होते हैं, चील के छोड़े गए घोंसले, या हम कह सकते हैं जो बड़े बड़े पत्थर या जो बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं तो उनके बीच में जो दरारें होती हैं, या हम कह सकते हैं चट्टानों के दरारों के बीच में, या चट्टानों की दरारों में, या सुनसान जगहों पे जहाँ पे कोई भी जीव ना हो, सुनसान जगहों पे, तो उन जगहों पे ये क्या करता है, गिद्ध जो है अपना घोंसला बनाता है। तो गिद्ध की खास बात क्या होती है, सुनसान पेड़ों पे, खोखले पेड़ों पे, चील के छोड़े गए घोंसलों पे, चट्टानों की दरारों में, या सुनसान जगहों पे ये क्या करता है, गिद्ध अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट जो पक्षी है जिसको हम नाम देते हैं क्या, उल्लू। देखिएगा, ये एक ऐसा जीव है जो रात में देखता है, और इसकी खास बात क्या होती है, उल्लू को जो है रात में हमेशा कोई भी वस्तु काली या सफ़ेद या ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है। तो उल्लू की ये खास बात होती है। तो उल्लू क्या करता है, उल्लू जो है पेड़ की किसी खोखले भाग में, खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। तो ये खास बात किसकी होती है, उल्लू की। नेक्स्ट जो है, तो अच्छा, उल्लू की खास बात एक चीज़ और है कि उल्लू जो होता है ये रात में देखने वाला क्या होता है, पक्षी होता है, और उल्लू की आंखें होती हैं गोल गोल। अब देखिए नेक्स्ट जो है जिसको हम पढ़ेंगे क्या, मादा शुतुरमुर्ग। देखिए मादा शुतुरमुर्ग की अगर हम बात करें तो शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है, नाम से तो ये पक्षी है, और ये बहुत तगड़ा भी होता है, इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा भी होता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि एक ऐसा पक्षी है, केवल नाम का पक्षी है, ये उड़ नहीं सकता। तो ये उड़ने वाला पक्षी नहीं होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो वो कौन है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी जो कोशिका या उसका जो सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसको हम ऑस्ट्रिक एग भी कहते हैं। तो मादा शुतुरमुर्ग की अगर हम बात करें तो मादा शुतुरमुर्ग क्या करता है, ये अपना घोंसला जो है जमीन को थोड़ा खोद कर अपना घोंसला बनाता है। अच्छा, जब ये घोंसला बनाता है, जमीन को खोदता है, उसमें ये अपने अंडे को छुपा देता है, फिर ये उसको क्या कर देता है, उसको मिट्टी से या वहाँ पे जो भी मिट्टी होंगे उससे वो बंद कर देता है। तो ये खास बात होती है किसकी, मादा शुतुरमुर्ग की। नेक्स्ट जो है देखिएगा क्या है, दर्जिन नाम, ये कई बार एग्जाम में आपके भी पूछा है, दर्जिन चिड़िया। तो देखिएगा इसकी खास बात क्या होती है, दर्जिन चिड़िया की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, दो पत्तों को आपस में जोड़कर अपना घोंसला बनाती है।
तो दर्जिन एक ऐसी चिड़िया है जो अपना घोंसला क्या करती है, दो पत्तों को आपस में जोड़ करके ये क्या करती है, अपना घोंसला जो है वो बनाती है। तो ये खास बात किसकी है, दर्जिन की। अब हम लास्ट देखते हैं, लास्ट जो चिड़िया है जिसको हम नाम देते हैं क्या, फाख्ता चिड़िया, या जिसको हम नाम देते हैं फाख्ता पक्षी। देखिए अगर हम फाख्ता चिड़िया की बात करें तो फाख्ता चिड़िया एक ऐसा चिड़िया है जो कैक्टस के जो पौधे होते हैं उनके बीच में जो कांटा होता है, तो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कौन? फाख्ता। फाख्ता एक ऐसी चिड़िया है जो कैक्टस के बीच में जो कांटे होती हैं उन कांटों के बीच में अपना क्या करती है, घोंसला बनाती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कैक्टस का पौधा होता है उस कैक्टस के पौधे में जो कांटे होती हैं वो कांटे जो है वो असल में जो होती हैं वो कांटे उनका पत्तियां होती हैं, और जो पत्ती की तरह जो हरा होता है वो एक्चुअली में तना होता है। तो सीधा सीधा कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैक्टस के जो कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरण होता है, तो ऑप्शन में दे दिया रहता है जड़ है, तना है, पत्ती है, और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन दे देगा शाखा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन क्या है वो पत्ती। तो कांटे जो होती हैं कैक्टस के पौधों की वो पत्तियों का रूपांतरण होता है। अब देखिए कुछ नोट के बारे में हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे क्या वो है नोट। देखिए अगर हम नोट की बात करें तो आपको पता है कि गांव में या शहरों में जो है घरों को बनाया जाता है या घरों का निर्माण किया जाता है। तो जब घरों का निर्माण किया जाता है तो उस घरों के निर्माण में कौन कौन से कारक पे वो निर्भर करता है, या कौन कौन से कारक या कौन कौन से पदार्थ उसको या कौन कौन से मटेरियल उसको चाहिए होते हैं बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें कारक की कि घर के निर्माण में कौन कौन से कारक निर्भर करते हैं, तो इसी नोट में हम उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, घर के निर्माण में निम्न कारक निर्भर करते हैं। हमेशा आपके कई बार जो है इससे क्वेश्चन आता है कि घर के निर्माण में कौन कौन से कारक निर्भर करते हैं। तो देखिएगा पहला जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, भौगोलिक स्थिति। हमेशा जो है जब घर बनाया जाता है या किसी भी जगह पे जो किसी घर का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले जो है वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखा जाता है। भौगोलिक स्थिति का सीधा सीधा मतलब है कि जिस जगह पे घर बन रहा है वो घर कैसा है, पहाड़ी है या समतल है या गांव है या फिर वो क्या है, कोई शहर है, तो इन सबको देखा जाता है। तो सबसे पहली जो स्थिति या सबसे पहला जो कारक होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं जलवायु। दूसरा जो कारक होता है जो घर के निर्माण में सहायक होता है वो क्या है, जलवायु। दूसरी जो स्थिति या दूसरा जो कारक हम देखते हैं वो क्या होता है, जलवायु। जलवायु का मतलब क्या है कि जहाँ पे किसी घर का या किसी आवास का निर्माण किया जा रहा है तो वहाँ का क्षेत्र या वहाँ की जलवायु क्या है। जलवायु का मतलब क्या है कि या क्या वहाँ पे बारिश होती है। अब बारिश में क्या, या तो ज़्यादा होती है या फिर वहाँ पे कम बारिश होती है। तो इसको देखा जाता है कि जिस जगह पे भी घर का निर्माण किया जा रहा है उस घर वाले क्षेत्र में जो है बारिश ज़्यादा होता है या कम। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, क्या गर्मी। अब गर्मी भी देखते हैं क्या कि वो ज़्यादा होता है या कम, इसको भी देखा जाता है। तीसरा जो कारक होता है जिसको हम कहते हैं क्या, उपलब्ध
निर्माण कारी चीज़ें, नाम से ही पता चल रहा है कि जब घरों का निर्माण किया जाएगा तो कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से मटेरियल हैं जो उसके निर्माण में वो क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। तो अगर हम बात करें तो इसमें सीमेंट, लोहा, पत्थर, मतलब उस जगह पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उपस्थित हैं जो उस घर के निर्माण में मदद कर सकती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं सीमेंट है या लोहा या पत्थर। तो ये इनमें से कौन सी जो है, कौन से पदार्थ या कौन से जो है चीज़ें उपस्थित हैं, इसके आधार पे जो है वहाँ पे किसी घर का निर्माण किया जाता है। और चौथे की अगर हम बात करते हैं या लास्ट की अगर हम बात करें, जिसको हम नाम देते हैं क्या, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति मतलब वहाँ का समाज कैसा है, ये भी जो है एक कारक होता है किसी भी क्षेत्र में किसी घर को निर्माण करने में। ये जो है चार प्रकार के कारक होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में किसी घर के निर्माण में क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। पहला जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, भौगोलिक स्थिति। दूसरा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, जलवायु। तीसरा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें। और चौथा जो होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, सामाजिक स्थिति। तो ये चार जो होती हैं, ये चार कारक होते हैं जिस पे कोई घर का निर्माण निर्भर करता है। तो आज का जो है ये टॉपिक, जो पार्ट फर्स्ट हम कह सकते हैं आश्रय या आवास का, यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में, जिससे सीटेट में हर साल एक या दो क्वेश्चन 100% या 90% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।